हेलो फ्रेंड्स, तो मैंने आपको पिछले वाले वीडियो में बोला था कि मैं आपके साथ शेयर करूंगी मेरी मम्मी कड़वा चौथ का व्रत कैसे रखती है। तो आज वही वाली वीडियो है। तो सुबह सुबह मुझे मम्मी ने उठा दिया और फिर मैं नीचे गई तो मैंने देखा कि मम्मी ने छोटे वाले कड़वे में पूरी ऊपर तक चीनी डाल दी और उसे ढक दिया और उसके ऊपर एक दिया भी रख दिया। ठीक है, फिर उसके बाद में हमारे मंदिर की जो सरफेस होती है ना, वहाँ पे पापा ने लाल वाले टीके से गणेश जी बनाए, लाल वाले टीके से। ठीक है, फिर ये रही आज की सारी सामग्री जो आज की पूजा में यूज़ होने वाली है। और फिर मम्मी ने एक सिक्का रखा, उसके ऊपर दिया रखा और रुई से ऐसा टेक्सचर बना के उसके ऊपर पापा ने घी डाला और फिर उसे जला दिया। और जलाने के बाद में पापा ने जो कड़वा था उसके ऊपर धागे से उसे बांध दिया। ठीक है, और अगरबत्ती भी जला दी। ये सब कुछ करने के बाद में मम्मी ने भगवान जी को प्रणाम किया। पापा ने सुबह के 4 बजे बनाई गर्मा गर्म मम्मी के लिए और अपने लिए चाय, और मम्मी ने उसे चाय और मटे के साथ खाया, पापा ने भी खाया। सर्गी करने के बाद हम लोग सो गए थे एंड अभी हम लोग उठे हैं 10 बजे। ठीक है, सो अभी हम सब लोगों ने ब्रेकफास्ट कर लिया है और मम्मी भी नहा धो के फ्रेश हो चुकी है। ये देखो, ये रही मम्मी। और मम्मी का मेहंदी का कलर देखो कितना डार्क आया है। देखो कितना डार्क कलर आया, एकदम ब्यूटीफुल मेहंदी लग रही है मम्मी की। ठीक है, तो जब मम्मी तैयार होगी और जो मम्मी कड़वा चौथ की पूजा की सामग्री तैयार करेगी तब आपको मिलते हैं। तब तक के लिए बाय बाय। फिर मम्मी ने मुझे काम दिया, बोला कि स्प्राउटेड गेहूं को निकालो और इससे 108 काउंट करके निकालना है। ठीक है, फिर उसके बाद रेड धागे से नॉट टाई करना है। ये रही मम्मी की एक्सेसरीज जो आज मम्मी पहनने वाली है। उसके बाद मम्मी ने पूजा की थाली तैयार करी और फिर मेरी मम्मी भी तैयार हो गई। कमेंट बॉक्स में बताना कैसी लग रही है। फिर मेरी मम्मी और मेरी मासियाँ तीनों लोग चले गए मंदिर में, जहाँ पे सारी लेडीज इकट्ठा होकर कड़वा चौथ की पूजा करती हैं।
मम्मी का पूजा किया हुआ दिया मम्मी ने मुझे दिया और बोला कि माँ पार्वती के पास रख दो। Hours later. फ्रेंड्स अभी हम सब लोग जा रहे हैं ऊपर, ठीक है, और हम लोग ऑलरेडी लेट हो चुके हैं, बट अभी फिर भी चलो चलते हैं ऊपर जल्दी से, ठीक है। और अभी हम लोग ऊपर जा रहे हैं, जब हम लोग ऊपर पहुंच जाएंगे तब लोग आ चुके हैं सभी ऊपर, ठीक है, ठीक है, हम लोग आ चुके हैं। अभी मम्मी पूजा करने वाली है। पूजा होने के बाद में मम्मी ने जो घर में बनाया था और जो प्रसाद थी वो मम्मी मेरी दादी जी को देने गई। फिर जाने के बाद में पापा ने मम्मी को पिलाया पानी और यहीं से ही हमारा करवा चौथ का व्रत होता है पूरा। सो वीडियो पसंद आई तो वीडियो को लाइक कर देना और चैनल को सब्सक्राइब कर देना। बाय बाय।